बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड स्टार्ट। रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन। आप ना चॉइस ऑफ वर्ड्स पे ज़्यादा काम खराब करते हैं। कैब इन कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया करें। ये वाला ठीक है, वेल डन। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। टू के बाद कभी भी जरेंड नहीं आते। टू के बाद इन्फिनेटिव आते। टू के बाद इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म। ये भी यहाँ पे सही वर्ड यूज नहीं किया हुआ। आ जाएगा केस स्टडी। टू अवॉइड। Present indefinite। नो नहीं आएगा, नो आएगा। आप लाइंस वाले पेजेस यूज करें, आपको एग्जाम में वही आने। ये पुरानी बात है, आप अपनी प्रैक्टिस भी उसी पे करें। लास्ट वाली से तो बहुत ही बेहतर है। वेल डन, शाबाश, कीप इट अप, बहुत अच्छी है। इसको ऐसे ही करें और लेट मी ट्राई। मैं भी आपके लिए लिख देती हूँ कि अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मैं क्या करती।
यहाँ पे आप बताएंगे कि अगर हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 3 को रिजॉर्ट करना है ना, या मतलब ख़त्म करना है, तो हमने साइबर क्राइम्स और थ्रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि हमने बातचीत से ही अपने मसले हल करना है। जैसे ट्रम्प का जो है हुआ है, उसने सारा कुछ ही अपने लाइक चेंज ऑफ प्रोफाइल वगैरह करके कोई भी आप इवेंट अपने लिए अपनी फेवर में कर सकते हैं। इसी तरह से यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आगे चली गई है कि अगर आप वॉर की तरफ जाएंगे तो आपकी एक सिंगल क्लिक पे किसी थर्ड कंट्री पे, जो जिससे आपकी कोई मसले भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, या कोई भी इश्यूज नहीं है, उनको भी थ्रेट है, ठीक है। प्रॉक्सी वॉर है, आप किसी और की वॉर पे कुछ और वेज कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान फॉर इंस्टेंस यहाँ पे बैठ के ईरान में अपने मिज़ाइल या उसको ऑटो पायलट पे कर रहा है, तो प्रॉक्सी वॉर तो यही होती है ना, जहाँ तीसरे कंट्री पे जाके आप प्ले करते हो। फिर रिसोर्सेज इतने कम हो गए हैं कि हमने वॉर वगैरह पे इतने पैसे ज़ाया नहीं करने, पीस की तरफ हमारी अटेंशन होनी चाहिए। फिर आ जाता है न्यूक्लियर पावर ऑफ स्टेट। ज़्यादातर कंट्रीज़ के पास जो 5-6 हैं, और भी बहुत सारे लोग इस चक्कर में है कि हमें भी न्यूक्लियर पावर मिल जाए, तो अगर न्यूक्लियर की थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी गफलत जो है ना, वो बहुत आगे जा सकती है। इसी तरह से वेपनाइजेशन, अच्छा और हमें क्यों लगता है, क्योंकि ट्रेड आप बताना है लोग वॉर करते क्यों हैं। पॉलिटिकल हेजमनी के लिए, ठीक है। उसके अलावा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है। उसके अलावा थ्रेट टू सोवरेनिटी की वजह से, ठीक है। अलायंसेस अदर स्टेट्स, अच्छा जी। और कैसे कॉजेज है, और क्या किसकी वजह से हम वोट करते हैं, इम्पैक्ट्स क्या आते हैं, इम्पैक्ट्स ऑफ वेजिंग वॉर्स ऑन द ग्लोब होता क्या है? पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स, सोशल इम्पैक्ट्स, कल्चरल इम्पैक्ट्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। इसलिए बेहतर यही है कि अपने मसले वैसे ही हल किए जाए। स्टेप्स ऑलरेडी टेकन टू मेन स्ट्रीम द डिप्लोमेसी वर्ल्ड पॉलिटिक्स।
my years required in this regard. My years required by states to promulgate diplomacy at state level. See? Individual efforts by states, collective efforts by nation, by supra organizations. इसमें सारी आ जाती वर्ल्ड बैंक, उसके बाद कंक्लूजन. ठीक है, ये आपके साथ. मैं कोशिश करूँगी मज़ीद, अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं इसको ब्लॉग में अपलोड कर दूँगी, लाइक इसको फर्दर एक्सपेंड करके. लेकिन आई कैन नॉट प्रॉमिस बिकॉज मैं बहुत बिजी होती हूँ. तो मैंने ये आपको आउटलाइन बना दिया, ये आप इसी से गुजारा करने की कोशिश करें. ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच.